अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है और कैसे हैं आप सब। तो ये क्लिप है, ये बॉटल्स जैसे होती हैं उनको गोल्डन पेंट किया है और आप इसमें फिर कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे डेकोरेशन के लिए आप यूज़ करें तो उसके लिए काफ़ी जो है अच्छी रहती हैं। और डिफरेंट मेथड होते हैं पेंट करने के भी, मगर मैंने इनको फुली पेंट कर दिया था गोल्डन पेंट स्प्रे जो होता है उससे ले गया, तो बहुत बल्कि अच्छी पेंट हुई है। वरना इनमें देखने में भी काफ़ी अच्छी लगती है, बीच में फ्लावर्स जैसे मैंने डाल दिए। और ये फिर जो है क्लिप है, अलीवर कुनहार का। उसके बाद ये टेबल्स हैं जो कि मैंने खुद इनको जो है अभी ठीक कर रही हूँ, और अभी पहले इनको पॉलिश नहीं थी, इनको पेंट हुआ हुआ था, तो मैंने अब भी दोबारा इनको पेंट ही किया है ऑयल पेंट, तो वही मैं खुद कर रही थी इनको। और पॉलिश जो है वो भी मैंने खुद ही बना कर रखी हुई है, घर पे ही तैयार की हुई है, और वो भी जो है मैं गर्मियों में करूँगी क्योंकि अभी ठंड है और अभी जो है उसका सही रिज़ल्ट नहीं आता। और ये बैंगन की जो है सब्ज़ी बन रही है, भुरता बन रहा है, तो ये एक साइड पे प्याज जो है वो मैं फ्राई कर रही थी और दूसरे चूल्हे पे जो है उसको बैंगन को जो है मैं उसका छिलका उतार रही थी, उसको जो है वो छिलका उसका जैसे जल जाएगा तो वो फिर आसानी से उतर जाएगा। और दोपहर का टाइम था दिन का, तो साथ से चाय, जैसे सर्दी है तो आप नाश्ते में एक दफ़ा चाय हम पीते हैं, और फिर बच्चों के लिए जैसे लंच जब स्कूल जाते हैं वो उनका नाश्ता बनाया, लंच बनाया, फिर उनके लिए चाय बनती है, तो वो और दोबारा फिर एक टाइम बन जाती है, दो तीन दफ़ा तो सुबह के टाइम चाय पी जाती है और फिर शाम की चाय जो है वो भी, और साथ कुछ ना कुछ और भी जिस तरीके से खाया जाता है। तो और ये थे कपड़े वॉश किए मैंने और उनको भी समेटना है, रखना है, तो ये वो क्लिप है। और कपड़े ड्राई होने में जैसे काफ़ी टाइम लग जाता है, अभी फ़ौरन उसी वक्त नहीं होता सर्दियों की वजह से, तो और साथ मोटे कपड़े होते हैं जैसे बच्चों की पैंट्स हैं, तो वो काफ़ी जो है वो उसका स्टफ़ मोटा होता है और वो काफ़ी टाइम लगाती है सूखने में। और ये ब्लैंकेट जो है सिंगल वाला ब्लैंकेट वो भी मैंने कर लिया था वॉश, और अब ये सब जो है इनको मैं तह लगा के रखूँगी, जो रखने वाले हैं, और जो प्रेस वाले हैं वो अलग से रख रही हूँ। और जो डेली रूटीन के होते हैं वो मैं प्रेस करके ही हैंग कर देती हूँ सब के, फिर आसानी से जिसको पहनने होते हैं वो निकाल के तो पहन लेते हैं। और ये जिस तरीके से जिनको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं थी तो वो ऐसे ही फिर उनको तह लगा के जो है वो मैं रख रही हूँ। और ये बेडशीट्स हैं, बेडशीट्स को जो है वो मैंने उनको भी सिंगल बेडशीट्स को भी तय लगा दी है, बच्चों के रूम की जो है वो रखूँगी अलग, और बस ये रात के टाइम का है क्लिप।
और इसके अलावा कराची की यूट्यूबर हैं सितारा यासीन, तो वो आई हुई हैं पंजाब आजकल सर्दियों की छुट्टियों में अपनी फैमिली और बच्चों के साथ। तो सितारा यासीन आपको वेलकम करते हैं पंजाब में, और आप जो है पंजाब में कहाँ कहाँ मतलब विज़िट करेंगे, आपको मैंने मैसेज पे भी जो है वो मैसेज भी आपको किया था। तो ये है सितारा यासीन जो कि आई हैं पंजाब कराची से छुट्टियों पे, तो इनको सफ़र सही हो उस टाइम।